हिसार में किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने ट्रैक्टर्स को रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर दी है। ऐसे में सिरसा दिल्ली हाईवे पर भी ट्रैक्टर्स की वजह से जाम लग गया है। किसान लघु सचिवालय के बाहर पक्का मोर्चा लगाए बैठे पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति के धरने में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें वहां जाने से रोक रही है। इसी वजह से ट्रैक्टर लेकर आए किसानों को रोक लिया गया। किसान फसलों के बीमा क्लेम की मांग कर रहे हैं। पूरी तैयारी करके वो देखो उसमें चाय पानी का टैंकर मारा। हिसार की ये तस्वीरें हैं जहां पर किसानों ने प्रदर्शन किया है। ट्रैक्टर्स को रोकने के लिए पुलिस ने भी बैरिकेडिंग लगा दी, जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है कि किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने ट्रैक्टर्स को रोकने के लिए किस तरह से बैरिकेडिंग की हुई है। और आप पीछे की साइड देखेंगे, वहां ट्रैक्टर्स ही ट्रैक्टर्स नजर आ रहे हैं। ये सभी किसानों के ट्रैक्टर्स हैं और ये किसान लघु सचिवालय जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर इनको यहां पर रोक दिया है। ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर पहुंचे थे किसान, जिसकी वजह से जाम भी लग गया है। जो आम लोग हैं वो भी काफी परेशानी का सामना यहां पर कर रहे हैं। पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति के ये लोग हैं और इस धरने में शामिल होने के लिए जाना चाहते थे ये सभी किसान, जो आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर ट्रैक्टर्स के साथ खड़े हुए हैं। हम हिसार लघु सचिवालय में पक्का मोर्चा लगा हुआ है। 10 तारीख की कॉल थी हमारी, इसी कॉल में हम आए थे, लेकिन प्रशासन ने हमारे को पहले पीछे रोका गया, फिर यहाँ आके रोका गया। हम लघु सचिवालय जाना चाहते हैं, प्रशासन हटाने का प्रयास करें, हम तो आगे जाना चाहते हैं। हमारे को भेजो, हम तो आप लघु सचिवालय हमारे पक्के मोर्चे पे जाना चाहते हैं, भेजो हमारे को, हम तो नहीं रोकना चाहते यहाँ। ये तो प्रशासन ने रोक रखा ना, जब प्रशासन हटाना आएगा तब देखी जाएगी। लेकिन फिलहाल अगर जब पक्का मोर्चा लग गया फिर तो ताकत प्रशासन की नहीं है, हमारे को हटा लेगी। अब तो हम अब भी जाना चाहते हैं, हम रास्ते में रोड खोल दें, हम चले जाएंगे। प्रशासन से ये अपील करने जाएंगे, जौन से 100 करोड़ रुपये हमारे पेंडिंग है वो दे दो, और जौन से हमारे गांव ब्लैक लिस्ट सरकार ने कर रखे हैं उनको ब्लैक लिस्ट हटा के उनके पूरे के पूरे पैसे उनके अकाउंट में डल जाने चाहिए। और इस वक्त जी मीडिया संवाददाता रोहित हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रोहित, फिलहाल क्या स्थिति है, क्या अभी भी बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने रोका हुआ है इन किसानों को? देखिए, अभी की स्थिति की अगर बात करी जाए तो पक्का मोर्चा जिस तरह से यहाँ पर लगाया गया है उसी के मद्देनजर प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। हमारे साथ जो प्रदेशाध्यक्ष है इस संगठन के, पगड़ी संभाल जट्टा संघर्ष समिति के जो प्रदेशाध्यक्ष है मनदीप नौथवाल, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन पहले तस्वीरें दिखा देते हैं कि फिलहाल किस तरह से यहाँ पर जो प्रदर्शन है, जो पक्का मोर्चा है वो लगातार चल रहा है और संबोधनों का दौर जो है वो चल रहा है। हालांकि पुलिस की तरफ से तमाम हिसार के रास्तों पर बैरिकेडिंग अभी भी की गई है, ट्रैक्टर्स को बाहर ही रोका गया है। क्या कुछ इनकी तरफ से अब अगली रूपरेखा बनाई गई है और अल्टीमेटम क्या कुछ इनकी तरफ से दिया गया है, बातचीत कर लेते किसान नेताओं से। मंदीप जी, ये जानना चाहेंगे क्या कुछ आपका निर्णय रहा, किस तरह से अब ये आंदोलन आगे का रूप लेगा? देखिए, पिछले 70 दिनों से बीमा क्लेम के लिए आंदोलन चल रहा है। रात कुछ पुलिस के सिविल वर्दी में शराब पी के उन्होंने हमारे साथियों के साथ धक्का मुक्की की, गाड़ी गलोच किया, तभी से जो स्थिति है तनावपूर्ण है। आज सुबह प्रशासन ने बैरिकेड लगा के चारों तरफ से हिसार को सील किया हुआ है और मेन दिल्ली हाईवे बंद करवा दिया है, क्योंकि हम तो यहाँ धरना स्थल पर आना चाह रहे थे। हमारा मंशा दिल्ली हाईवे बंद करने की नहीं थी, हमने पहले भी कहा था हमें धरने स्थल पर जाने दिया जाए, क्योंकि हमारा जो संगठन है अनुशासन में काम करता है, कोई भी ऐसी हुड़दुड़बाजी हमारा संगठन कोई साथी नहीं करता। हमने एक जिम्मेवारी ली थी, हम अपने साथियों की जिम्मेवारी लेते हैं, कोई भी साथी शरारत नहीं करेगा, मगर उसके बावजूद पुलिस ने बाहर बैरिकेड लगा रखे हैं और जिससे पूरा हिसार शहर जाम किया हुआ है, जिसमें स्कूली बच्चे परेशान हो रहे हैं, यहाँ तक कि एम्बुलेंस को भी पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं। उन्होंने जो टिप्पर है, बड़े ट्रक हैं, वो रोडों पे लगा रखे हैं और एम्बुलेंस को भी पुलिस रोक रही है। तो अब मुख्य मांग क्या है आपकी और 20 मिनट का जो अल्टीमेटम आप दे रहे हैं, उस अल्टीमेटम में क्या पहल? एक तो वो जिसने वो पुलिस वाले ने दो थे शराब पी के गाड़ी निकाली उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए, और जो बीमा क्लेम की राशि कब तक हमें हमारे खातों में रिलीज की जाए, ये दो ही मांगे हैं। और इसके लिए अभी हम 20 मिनट का समय दे जाते हैं, उसके बाद जो दिल्ली हाईवे पे किसान बैठे हैं, हम सारे जो अलग अलग संगठनों के लोग हैं वो दिल्ली हाईवे पे जाएंगे, अगले आंदोलन की घोषणा वहाँ करेंगे। मजबूरन हमें ये पक्का मोर्चा दिल्ली हाईवे पे चलाना पड़ेगा। आप बताइए जी, लगता है कि सरकार मानेगी आपकी मांगे पूरी होगी? 70 दिन तो हो गए सरकार पे लठ आ रहा है, लठ देकर तो वैसे मनमालो मनमान का तो तरीके आए हमने 70 दिन हो गए सारे किसानों नाल बैठे ने, एकजुट हो रहे सारे के सारे, लेकिन आज तक उन्होंने पूरी
तरह से जो मांग थी वो नहीं माननी है, लेकिन आज हम ये सोच रहे हैं कि इनका चारों तरफ से रास्ते जाम कर रहे हैं। किसान नहीं चाहता था इस प्रकार की कार्रवाई, लेकिन धक्के से करवा ली। और अब यह आपने सुनी ली होगी, बता दिया इन्होंने कि भाई ये जब तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, जो रात में जो बात हुई है प्रतिमी जी क्रिया जिस पुलिस के अधिकारी है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो, और जो हमारे किसान हैं जिनके ऊपर मुकदमा जो बात है उन पर क्या कार्रवाई करी है, वो बिल्कुल निरस्त हो उनके ऊपर, और जो हमारी जो मांग है वो पूरी हो। मुआवजे की क्या कुछ मांग है जी, किस तरह से किसानों को किस तरह से नुकसान हुआ था, क्या चाहता क्या है किसान? नहीं, किसानों को नुकसान तो काफी हुआ है, लेकिन एक साल पिछले साल का मुआवजा अभी तक नहीं दिया, मार्च में मिल जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक बार बार प्रशासन हमें आगे का टाइम देने लग रहे हैं, इसीलिए आज ये बड़ी कॉल बुलाई थी और उस पे आज हमने हमारे साथियों को वही ट्रैक्टरों को वही रोक लिया बाहर रोड पे। आप बताइए जी, क्या लगता है बातचीत सिरे चढ़ेगी, अब जो बातचीत होगी लगता है? जिला प्रशासन से भी आज हदें पार कर चुके हैं किसान के, आज जो हमारा जो मोर्चा लगा हुआ 70 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। ये हम कहना चाहते हैं प्रशासन को, हमारे जो सबर का इम्तिहान ना ले, अभी किसान मोर्चा ने फैसला लिया है, अगला आंदोलन घोषणा की जाएगी। रोहित, आप ये भी पूछिएगा जो इस वक्त हाईवे पर किसान ट्रैक्टर के साथ खड़े हुए हैं, उसको लेकर क्या अपडेट है? क्योंकि अगर हाईवे जाम है तो आम लोग भी वहां पर परेशान हो रहे होंगे। एसपी को दखल देने के बाद वहां से उनको छोड़ा गया, ऐसी बातों को लेकर के सैन्य किया जाएगा और अगला आंदोलन निर्णय होगा। लेकिन अगर हाईवे की बात कर ली जाए, जहाँ पर हाईवे पर जो किसान ट्रैक्टर्स लेकर खड़े हैं, हाईवे भी जाम है, वैकल्पिक रास्ते किस तरह से अपनाए जा रहे हैं, क्या मांग क्या कर रहे हैं? हम मांग ये कर रहे हैं, एक तो कल रात को आगे जो पुलिस के गुंडों ने, पुलिस कर्मचारी थे वो गाड़ी गलौज की है, और जो मोर्चे लगे हुए हैं बैरिकेड लगाए हुए हैं, आज मोर्चा वही हो सकता है, पक्के मोर्चे वहां लग सकते हैं हमारे। आपको मनु मैं बता देता हूँ, जो ट्रैक्टर्स हाईवे पर खड़े हैं उनको यहाँ तक लाने की मांग भी इनकी तरफ से की जा रही है। जिस तरह से अभी कुछ देर पहले हमने प्रदेशाध्यक्ष से बात की थी, तो उनका भी यही कहना था कि जो बैरिकेडिंग हिसार के चारों तरफ की गई है उसको खोला जाए, और जो किसान यहाँ पर पहुंचना चाहते हैं उनको यहाँ पर आने दिया जाए। फिलहाल दो इनकी तरफ से मुख्य मांग की जा रही है, जिसकी पहली मांग मुआवजे को लेकर घोषणा करने की है, इसके साथ साथ दूसरी मांग वो है जिस पुलिस कर्मचारी ने कल रात को बदतमीजी करने की कोशिश की थी, उस पुलिसकर्मी के खिलाफ जो है FIR दर्ज की जाए, इस तरह की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। 20 मिनट का अल्टीमेटम जो है एडमिनिस्ट्रेशन को दिया गया कि 20 मिनट के अंदर इस समस्याओं के बारे में विचार करके हमें बता दीजिए, वरना नई कॉल जो है, नई बड़ी कॉल है, इनकी तरफ से दी जाएगी। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से किससे बात हो रही है? पगड़ी समाज अट्टा संघर्ष समिति की ओर से किससे बात की जा रही है, क्योंकि 20 मिनट का अल्टीमेटम है, तो अगर बातचीत शुरू ही नहीं हुई है तो फिर उस अल्टीमेटम पे काम कैसे होगा? देखिए, मैं आपको साथ साथ तस्वीरें यहाँ की साझा कर देता हूँ। जिस तरह से आपने जो सवाल किया है कि अगर बातचीत का दौर चल रहा है तो वो किससे चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी इनकी तरफ से जो कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी ने ये तमाम निष्कर्ष निकालते हुए जो है वो आगे की रूपरेखा बनाई है, और एक कमेटी का जो है वो गठन किया है इनकी तरफ से, और वही कमेटी बातचीत करेगी, और किस तरह से ये बातचीत रहेगी तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इन कमेटी के सदस्य भी जुड़ गए हैं, इनसे भी एक बार बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए जी, कमेटी कितने सदस्यों की बनाई है, एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत कैसे होगी? देखिए, कमेटी जो है वो जितने भी किसान संगठन यहाँ आए हुए हैं सबके प्रतिनिधियों को मिला के एक कमेटी बनाई गई है, और वो अंतिम फैसला लेगी, और जो अंतिम फैसला है वो जो दिल्ली रोड के ऊपर जो जाम लगा हुआ है वहाँ पे कमेटी जाएगी और वहाँ पे अगला फैसला लिया जाएगा। ठीक है, और जिस तरीके से रोहित, मैं आपसे फिर जुड़ेंगे, फिर अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अपने दर्शकों को बता दें कि 20 मिनट का अल्टीमेटम दिया गया है जाट संघर्ष समिति की ओर से, पगड़ी संभाल जाट संघर्ष समिति की ओर से, और यह भी कहा गया है कि अगर इन किसानों को आने नहीं दिया गया तो फिर हाईवे ही जाम कर दिया जाएगा, यहीं पर पक्का मोर्चा लगाया जाएगा, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं।